नौटंकी है। नौटंकी नहीं, और आज करूंगा तुम्हारा वो हाल कि ये मुझू कहलाएगा दहशत का महाकाल। आज इस दवाई को कोई नहीं रोक पाएगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुमने मूषक मानव देखा? जी हाँ सर, 6 फुट लंबा चूहा था, खुद को मूछू बता रहा था सर। मूछू, और साथ में उसका एक साथी भी था। ठीक है, तुम बाहर जाकर वेट करो, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। सर, 6 फुट का चूहा, इतने बड़े चूहे तो हॉलीवुड फिल्म्स में भी नहीं होते। एतोनिता, इस लाश को ध्यान से देखो, ये पूरी नीली पड़ चुकी है, इसका मतलब जहर इसकी पूरी बॉडी में फैल चुका है। और ये निशान, ये इतने बड़े निशान तभी पॉसिबल है जब इसको बहुत बड़े चूहे ने काटा। ध्यान से देख कमांडर, एक बात समझ में नहीं आई, चूहे तो कुतरते हैं ना, चूहे कातिल बनकर कत्ल करते हैं, ये पहली बार सुन रहा हूं। इन सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण जो भी हो रणवीर, हमें इन मूषक मानवों को जल्द से जल्द पकड़ना है, इससे पहले ये कोई और कत्ल करे। जितना खाना खाना चाहते हो पेट भर के खाना खाओ, आज से तुम लोगों को भोजन की कभी कमी महसूस नहीं होगी। जाओ। खाओ, खाओ, सारा खाना खा जाओ। अरे वाह मुझू, हमारी प्रजा कितनी खुश है भोजन पाके कुतर कुतर गई। हाँ गुचू, जो काम हमारे पूर्वजों को पूरा करना था अब उसे हम पूरा करेंगे। काश कि हमारे पूर्वजों ने ये काम पहले ही कर दिया होता तो इस तरह हमारी प्रजाति यो लुप्त ना हुई होती। खाओ, खाओ। अरे वाह, अरे वाह पिताजी, इतना सारा खाना कहाँ से लाए आप लोग? इंसानों को मारकर उनके मुंह का निवाला छीन कर लाया ये मोचू कुतर कुतर के। मारकर? पर पिताजी, इंसानों को मारकर क्यों? बदला, अपनों की मौत का बदला, ताकि उन दुष्ट इंसानों को पता चल सके कि अपनों से पिछड़ कर जीने का दर्द क्या होता है कुतर कुतर के। पर पिताजी, एक इंसान की गलती की सजा आप सभी इंसान को नहीं दे सकते। हम तुम्हारे दिल में इंसानों के लिए हमदर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाओ यहाँ से। पर पिताजी, हमने कहा जाओ यहाँ से, और जाकर अपना काम पूरा करो। जाओ। ठीक है। अरे बिट्टू बेटा, बिट्टू। अरे बोचू, बेचारा भी नादान है, इस तरह सख्ती से पेश आना ठीक नहीं है। और वैसे भी देखो, हम तीन ही तो मुशक मानो बचे कुतर कुतर के। हम तीन ही काफी है इन इंसानों के लिए। अब वक्त आ गया है कि ये इंसान अपने कर्मों की सजा भुगते। तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? बस कुछ दिन और, वो 2-3 रासायनिक पदार्थ की जरूरत है, उनके मिलते ही मेरा ये मानो नरसंहार हथियार बनकर तैयार हो जाएगा कुतर कुतर के। शाबाश मेरे भाई, अब तुम्हारे दिमाग और मेरी ताकत की मदद से हम इस धरती से इन इंसानों को मिटा देंगे। आज से तुम्हारा सारा खाना हमारा। तुम आज फिर से लेट आए हो। बट मैम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ,
गलती तो मेरी है जिसने क्लास जल्दी शुरू कर दी। कौन हंस रहा है यहाँ? अगर दोबारा कोई हंसा ना मैं उसे मुर्गा बना दूंगी। और तुम्हें तो मैं देर से आने की सजा जरूर दूंगी। जाओ जाकर पीछे की सीट पर बैठो और 500 बार अपनी कॉपी में ये लिखो कि मैं स्कूल देर से नहीं आऊंगा। जाओ। देखा, तुम्हारी वजह से मैं फिर से लेट हो गया। तुम क्यों हर रोज इतनी देर से उठते हो? सामने देखो सब जन। कोई मस्ती करे क्या? मैं आप लोगों को अभी समझ देती हूँ। चलो बच्चों, हो गया लिख के? चलो जल्दी करो। यहाँ पे नहीं, प्लस करो इसे। हो गया? नोनू, बताओ कहां तक पहुंचे? मैम, ये क्या इतना ही लिखा है तुमने? और कहां है? नो मैम, मैंने लिखा था मेरे पेजेस। बाकी पेजेस कहां है? मैम, मैं मेरे पेजेस यहीं कहीं हो गए। कौन हंस रहा है यहाँ? अगर दोबारा कोई हंसा ना मैं उसे मुर्गा बना दूंगी। लिखो जल्दी। गुड नूनू, वेरी गुड। बच्चों यहाँ आओ सब जन। नूनू ने कितने जल्दी कंप्लीट किया है और वो भी अच्छी राइटिंग है ना? वो बैग में से पेपर कहाँ चले गए? अरे मोंटू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, नूनू ने कितने अच्छे से कंप्लीट किया है और वो भी अच्छी राइटिंग। जल्दी आओ, देखो। वेरी गुड नूनू। किसके बैग में ये फटाके फूट रहे? मैम, मोंटू। अपने कॉपी में 1000 बार ये लिखो कि मैं आइंदा से शरारत नहीं करूंगा। जाओ। तुम लोग क्या देख रहे? अपने अपनी सीट पे बैठो। क्या कर रहे हो? अरे कौन हो तुम? अरे मेरी बोरी तो दे दे। अरे अरे भाई, अरे कौन हो तुम? मुझे मेरी बोरी दे दो, बोरी दे दो मुझे। हेलो इंस्पेक्टर रणवीर। सर, सर चूहे ने हमला कर दिया। ए, कौन हो तुम? ए, यहाँ क्या कर रहे हो? पानी में ऐसे पानी को। भाई मचाली तुमने, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। कौन? कोई हरकत मत करना,
वरना मैं अभी के अभी तुम्हें शूट कर दूंगा। आप लोग जाइए यहाँ से, सब लोग जाइए जल्दी। तुम इंसान और कर भी क्या सकते हो, पहले ही हमारी प्रजाति को बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो तुम, पर अब नहीं। रणवीर ये हेलो हेतोनिता, तुम जल्द से जल्द सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। रणवीर कुछ नहीं होगा तुम्हें, डोंट वरी रणवीर, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डॉक्टर प्लीज कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। आप लोग शांत रहिए। रणवीर आप प्लीज बाहर रुकिए, प्लीज डॉक्टर प्लीज। तो गिरती जा रही है, इसके जहर पर एंटीडोट का असर क्यों नहीं हो रहा? नो रणवीर, डॉक्टर डू समथिंग। डैम इट, जगह जगह से कॉल आ रहे हैं सर, वो मूषक मां ने अपने हर जगह तबाही मचा रखी है। चम, आज बाल बार बच गए, वरना टीचर मुझे डांटने वाली थी। और हाँ, कल से जल्दी उठना, ठीक है? अरे ये लोग भाग क्यों रहे? अरे बाप रे, इतना बड़ा चूहा, ये तो हमारे खेतों वाले चूहों से भी बड़े। कौन चूहा? कौन? मुझे लगता है मुझे मेरे पुलिस दोस्त को फोन करना चाहिए। हेलो हेलो दोस्त, मैं नोनू। हाँ नोनू बोलो। हाँ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। नोनू तुम हो कहाँ पर, बोलो। अरे बाप रे, ये तो यही आ रहा है, क्या करूँ? तुम ठीक तो हो? हेलो दोस्त, मैं ट्रक में हूँ। नोनो तुम ठीक तो हो? हेलो दोस्त, मैं तुम चूहों की ट्रक में हूँ, प्लीज मुझे बचाओ, वो लोग मुझे मार डालेंगे। नोनू नोनू देखो सर, तुम एक बहादुर बच्चे हो, करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो कि तुम ट्रक में छुप कर बैठे रहना, बाहर मत निकलना, उन चूहों के सामने बिल्कुल मत आना और अपना फोन ऑन रखना ताकि मैं तुम्हारे फोन के जरिए तुम्हारी लोकेशन। हेलो 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 हेलो
समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इधर रणवीर इतना सीरियस है और उधर नोनू इन चूहों के बीच फंस गया है। What? हाँ। सर अब क्या करेंगे? पता नहीं है तौनिता, नोनू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है वो ऐसी जगह फंस गया है जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ भी कर नोनू को बचाना होगा। मैं चलता हूँ। बट सर आप अकेले जाएंगे, हमें तो ये भी नहीं पता वहाँ कितने मूषक मानव है। चाहे कितने भी मूषक मानव क्यों ना हो, मुझे इस शहर को और नोनू को इस तबाही से बचाना है। रणवीर का ध्यान रखना, मैं नोनू को ढूंढता हूँ। Yes, sir. कैसे रहते रहूंगी यहाँ पर ये लोग? कहाँ जाऊँ? अकेला ही देख लूंगा। चमचम चमचम अब क्या करें? वो मुझे मार डालेगा। प्लीज चमचम कुछ बोलो ना, अब क्या करें? खाना खाना। तुम्हें अभी भूख लगी है? तुझे ज्यादा तेज से भूख लगी अभी। वो मुझे मार डालेगा चमचम।
प्लीज चमचम कुछ बोलो ना। उसको खाना दो। अच्छा समझ समझ।